सर मैं एक बात पूछनी चाहता हूँ, छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, ऐसे ही मैं ऐसे ही ये टीवी पे नहीं चलाएंगे, जब आज तक का नाम रखा गया तो क्या दिमाग में आया था कि आज तक रखें इसका नाम? और वैसे आपको मैं ये बता दूं कि आपको 13 वार्ड दिए गए हैं, अभी 2 और मिलने, 15 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ सर, मतलब आपके दिमाग में क्या आया था कि इसका नाम आज तक रखें? हालांकि मैंने कई बार देखा है आपकी जो न्यूज आने वाली होती है कि 2015 में भूकंप आएगा, वैसी न्यूज भी आती है, तो आज तक से तो मतलब ये है कि आज तक जो हुआ नहीं, ये आज तक से रखा गया कि आज तक की खबरें इसमें। पहले हमारे एडिटर हुआ करते थे एसपी सिंह, उन्होंने लाइन भी दिया था, आप तो ये सीरियस हो गए सर, आप तो ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। अरे वाह, शुक्रिया, थैंक यू सर। हमारा अगला अवार्ड है, एक सेकंड, लाल साड़ी वाली आ रही। आपको आज ये घर लेकर जाने वाले हैं। हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट न्यूज चैनल इंग्लिश। तुम्हारा एक फेवरेट न्यूज चैनल है ना? मेरा ये एनडीटीवी 24x7 जो बीच में वो होता ना ऐसा वाला, इट्स 24x7 कपिल, यू डोंट नो दैट मच डूड, ओके इट्स ओके। कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा, तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो मैंने भी अपनी मदर से यही कहा कि जाने दो हंसते हंसते रो देंगे, पर आप बड़ी ब्यूटीफुल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा बिग बॉस में आप बड़ा जल्दी रो पड़ती थी, थोड़ी इमोशनल ज्यादा है, बस वही इमोशनल ज्यादा है, कुछ भी याद मत कीजिएगा आप। नहीं, बाकी चीजें भी याद है, पर नाना नाना वो बाकी सबके सामने बोलने वाली नहीं है। नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। आशिका, आशिका मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी मम्मी बड़ा अच्छा सोचती है ना, आप भी बड़ा अच्छा सोचते हैं, आपने भी सही सोचा था। हाय रागिनी, हाय, लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू। आओ भाई, लाल साड़ी। ये गुलाबी है का? है? ये पिंक है। वो गुलाबी नहीं है, खड़ी खड़ी बाहर धूप में रंग उड़ गया उनका बेचारियों का। अरे सीटें चली गई अपनी, चलो सर एक सेकंड, इससे पहले आप जाएं मैं आपकी पूरी टीम के लिए कुछ खास तौर पे कहना चाहूंगा। yes, पूरी टीम के लिए आई थिंक आप लोग कमाल का काम करते हैं, कमाल का इतना बढ़िया शो बनाया है, इतनी मेहनत से शो बनाया है। मैं यही कहना चाहूंगा, ये ऑफर है कि मिक्की वायरस 25 अक्टूबर को आ रही है, जरूर देखिएगा। मैंने कहा ये लोग तो भीड़ भड़क के में उतर जाएंगे, कोई बात नहीं सुनेगा, 25 अक्टूबर को मिक्की वायरस प्लीज देखना, बाय बाय, ऑल द बेस्ट मनीष फॉर मिक्की वायरस, मेड डू गुड फॉर यू। इंसान जितना मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले, अंदर से कमीना ही रहता है। प्लीज हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे। हाय कपिल। हेलो मैम। ग्रेट फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मैम, सेम हियर मैम। आई रिकॉर्ड ऑल योर प्रोग्राम्स, आई वॉच यू ऑल द टाइम, इवन द रिपीट्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स। ये एडिटर से मेरी दरख्वास्त है, आपको माता रानी पाप लगेगी ये लाइन काटी तो। क्या कहा आपने? मैंने कहा एडिटर से मेरी दरख्वास्त है कि अगर ये लाइन काटी तो उनको पाप लगाएगी माता रानी। धार्मिक सा श्राप दिया है। मैम प्लीज आप हमारा अगला अवार्ड प्रेजेंट करने की रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं। क्या है? तुम्हारी लाइन। अच्छा हाँ। दोस्तों, टेलीविजन सारे देश की ऑडियंस का वो साथी बन चुका है जो उन्हें हंसाता है, रुलाता है और अपने साथ साथ गाने और नाचने को भी मजबूर कर देता है। टेलीविजन के पॉपुलर कैरेक्टर्स के बारे में घरों में तो ऐसे बातें होती हैं जैसे फैमिली के मेंबर्स का जिक्र हो रहा है। प्लीज, अब हम एक दूसरे की तारीफ करने नहीं आए हुए। एक्चुअली लोग मुझे सुहाना, तुम्हें बिट्टू, जेठा, आई मीन अमेजिंग यार, क्या पॉपुलैरिटी है। दया क्या है, कहाँ क्या बोलना है? अच्छा हाँ तो मतलब क्या है? मतलब ये है टेलीविजन के किरदारों की पॉपुलैरिटी। ये तो तुम सच कह रही हो। वाओ, टेलिंग ट्रूथ। अब कन्नड़ में बोलूं क्या? ये बोल दिया ना एक बार, आगे बढ़िए अभी। ये है, सॉरी। अच्छा, जो ये जो प्रॉम्प्टर में बैठते हैं ना, ये भी वड़ा पाव ज्यादा खाते हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा कोई फ्रूट ज्यादा खाएं। वेल, चलिए मैं एक गाना सुनाता हूं मोहम्मद रफी साहब का। ओके कपिल, कपिल कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, सिटी केबल। एक रेड साड़ी अवार्ड आपको अलग से देंगे, आप टेंशन नहीं लेनी, आप लगे रहिए।